मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम से ये मानस मोरे। आज की यह रचना भी राग सुओ बिलावल पर आधारित है। राम की महिमा, राम की दिव्यता यदि जाननी है, अनुभव करनी है, तो हमें तुलसीदास की के माध्यम से उन्हें देखना होगा। तुलसी की आँख के बिना राम को देख पाना संभव नहीं है। जिस गहराई के साथ, हृदय की जिस तन्मयता के साथ, भाव के साथ, विनय के साथ, भक्ति के साथ तुलसीदास जी राम को निहार रहे हैं, उसका करोड़ों हिस्सा भी यदि हमसे निहारते बन जाए तो बात बन जाए। वह बात बन जाए, इसीलिए विनय पत्रिका की यह स्तुतियां हमें एक दूसरे जगत की सैर पर ले जा रही हैं। जुड़ना होगा इनके साथ, तल्लीन होना होगा, मनोयोग के साथ इन्हें सुनना होगा। जो बात तुलसीदास जी बता रहे हैं उसे पीना है, जैसे कोई प्यासा किसी झरने के पास पहुंच जाए तो न केवल जल पीता है वरन उस झरने में स्नान भी करता है। तो यह विनय पत्रिका राम के गिरते हुए झरने में स्नान करने जैसा है, पान करने जैसा है। ठाकुर अति ही बड़ो, सील सरल सुठ। कह रहे हैं मेरा ये जो ठाकुर है ना राम, ये सबसे बड़ा है, और बड़ा होने के बाद भी कैसा है, बहुत सरल है, कोई जटिलता नहीं, कोई कुटिलता नहीं, परम सरल, और शील है, विनम्र है। एक तो सरलता, फिर विनम्रता, और फिर सुंदरता। तो ये जो तीन गुण है ना मेरे ठाकुर के, सबसे बड़ा होने के बाद भी ये तीन गुण हैं, जबकि सबसे बड़ा होने के बाद ये तीन गुण हो ही नहीं सकते व्यक्ति में। मनुष्य यदि सबसे बड़ा हो जाए, सबसे बड़े को समझिए, उसके पास बहुत पैसा आ जाए, बहुत ऊंचा पद मिल जाए, या यश मिल जाए, सेलिब्रिटी बन जाए, तो क्या होता है? तो सबसे पहले जो चीज़ें विदा होती हैं वो होती है उसकी सरलता, फिर वह सरल नहीं रह पाता। मैंने देखे हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं के बॉस, वो कहते हैं हम अपने स्टाफ के साथ बोरा डिस्टेंस रखते हैं, रूखे रूखे उससे बात करेंगे, भरसक प्रयास रहेगा कि अपने एम्प्लॉई को ज़रा ज़रा सी बात पर डांटा जाए, उसके प्रति कठोर रहा जाए, उसके सामने हंसा ना जाए, उससे बस पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए और उससे उसके बाद कहा जाए भैया अब तू जाए यहाँ से निकल। तो बिल्कुल रूखा सूखा व्यवहार, क्योंकि बड़ा आदमी है। अब बड़ा आदमी छोटे आदमियों के साथ कैसे घुल मिल कर रहे, कैसे वो छोटे आदमी से पूछे और कैसे हो, कोई अभिप्राय नहीं होता पूछने का, कोई अभिप्राय नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ कि जो जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड रहे हैं गेट के पहले, तो जैसे ही साहब की गाड़ी आती है सलाम ठोकता है, वो नमस्ते करता है, या साहब वहाँ से निकल भी रहे हो तो नमस्ते करता है। और मैंने देखा ये जो साहेब लोग हैं ये देखते भी नहीं गार्ड की नमस्ते को, वो जो सिक्योरिटी गार्ड नमस्ते कर रहा है तो कर रहा है, देखते भी नहीं किसी भी तरह से। अक्सर देखा होगा कि जो फाइव स्टार होटल हैं
उनके बाहर गार्ड होते हैं, उनको सिखाया जाता है नमस्ते करो। नमस्ते कर रहे होते हैं जैसे कि कोई मशीन कर रही हो, लोग ये समझते हैं और लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन प्रभु राम ने सिखाया कि देखो, जब भी कोई इस तरह से द्वारपाल तुम्हें नमस्ते करे तो तुम्हें ऐसे नहीं निकल जाना। और वो सिखावन हमने जीवन में अपनाई। केवल गार्ड नहीं, कोई भी नमस्कार करे, कोई भी नमस्कार करे। कई बार हमारा ऐसे स्थानों पर जाना होता है कि जहाँ जो द्वार रक्षक हैं वे नमस्कार करते हैं, तो हम भी रुककर हाथ जोड़कर सम्मान के साथ उनके नमस्कार का उत्तर देते हैं, क्योंकि वो भाव के साथ नमस्कार कर रहा है, प्रेम के साथ कर रहा है। यह बात जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े हो गए ना, लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मेरे राम जी हैं ये सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी ये बहुत सरल हैं, शील हैं, सुंदर हैं। और कैसे हैं इनका यह जो रूप है, अब तुलसीदास जी आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। ध्यान अगम शिवहूँ भेट्यो केवट उठ। कह रहे हैं कि भगवान शिव के लिए भी बहुत कठिन है जिन पर ध्यान लगाना। भगवान शिव भी जिन राम की थाह नहीं ले पाते, बहुत दुर्गम है भगवान शिव के लिए भी राम से मिल पाना। अब चाहे भगवान शिव की मैं राम से जाकर मिल लूँ तो मिल थोड़ी ना सकते हैं। वनवास के समय भी जब मिले थे तो भेष बदल कर गए और बहुत जल्दी से बस जय सच्चिदानंद इतना कहकर निकल गए फटाफट। कहते हैं शिव में भी इतना संकोच है कि वे राम के पास एकदम नहीं जा सकते कि जाकर खड़े हो गए प्रभु राम के आगे कि आपके दर्शन करने आया हूँ प्रभु। वे भी, उनके लिए भी राम दुर्लभ हैं, अगम हैं, पहुँचा नहीं जा सकता। और इधर क्या है, भेट्यो केवट उठ, खुद अपने स्थान से उठे और जाकर केवट से मिले, जाके खुद मिले आके। जिनसे मिल पाना शिव के लिए भी बहुत दुष्कर कार्य है, अगम है। वे राम इतने सरल हैं कि केवट जैसे साधारण से नाविक से भी जाकर खुद उठे हैं, जाकर उससे मिलने के लिए खुद मिले। भरे अंक भेट्यो, और ऐसे ही नहीं मिले कि बस चले गए, खड़े हो गए सामने जाके, उसे आगे बढ़कर हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सोच समझ रहे हैं आप, कोई स्टेटस नहीं कि मैं इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट का बेटा मैं केवट को गले लगाऊं। बॉस में तो होता है कि मैं इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा आदमी, रिवॉल्विंग चेयर मेरे पास, उसके पीछे तौलिया भी लगा हुआ है, आसपास मैंने झंडा भी लगाया हुआ है अपने देश का, दो दो टेलीफोन रखे हैं, इंटरकॉम रखे हैं, फैक्स मशीन है, सामने इतना बड़ा टेलीविज़न है, फ्रिज है, इतना शानदार मेरा कमरा है, और मैं इस 2% के चौकीदार, माली या सिक्योरिटी गार्ड, इनसे मुस्कुराकर इनका हाल पूछूं? नहीं, डिस्टेंस मेंटेन करना है, बिकॉज वी आर बॉस। कहते लेकिन राम जो सबके ठाकुर हैं, सबसे बड़े हैं, वे केवट से खुद उठकर जाकर मिल रहे हैं और न केवल मिल रहे हैं, उनको गले से लगा रहे हैं। और यहां भी बात नहीं थमी, अभी यहां भी नहीं थमी है। भर अंक भेट्यो सजल नचन, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई हैं प्रभु श्री राम के केवट से मिलते समय। इतने आनंदित हुए हैं, प्रेम में इतने भर गए हैं कि आंखें सजल हो उठी। सने शिथिल शरीर सो, और बात अभी भी नहीं रुकी है,
और वो जो आंखें भर गई प्रेम से, आंसुओं से, उनका शरीर प्रेम के कारण शिथिल हो गया यानी पुलकित हो उठा। प्रेम में भरकर प्रभु राम स्पंदित हैं। समझ रहे हैं ना कि जो डिस्टेंस रखने वाले बड़ी बड़ी पोस्ट के बॉस हैं, जानबूझकर अपने को रेगिस्तान बनाकर रखते हैं, जानबूझकर। मैंने देखे हैं ऐसे बॉस बहुत, मेरा तो काम ही यही देखना है। शुरू शुरू में जब वे बॉस बनते हैं तब उनमें शुरू शुरू में वो पीछे का आया हुआ थोड़ा बहुत प्रेम का तत्व होता है, लेकिन बहुत जल्दी वो अपने आप को ऐसा रूखा सूखा रेगिस्तान बना लेते हैं जहाँ पर सिर्फ नागफनी है, सांप बिच्छू ये सब घूम रहे हैं वहाँ पर। इस तरह का बना लेते हैं अपने हृदय को रूखा सूखा। और यहाँ देखिए कि प्रभु किस तरह से सजल नेत्रों से, पुलकित गात से, प्रेम में भाव विभोर होकर केवट से मिल रहे हैं। सुर सिद्ध मुनि कवि कहत को न प्रेम प्रिय रघुबीर सो। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये मैं नहीं कह रहा, केवल कहीं दुनिया ये समझे कि तुलसीदास तो बावरा है, उसका क्या है, वो तो राम के पीछे पगलाया पड़ा है, वो तो कहेगा ही ऐसी बात, कहेगा ही। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा केवल, सुर देवता भी ये बात कहते हैं, सिद्ध जो सिद्ध जन हो गए हैं, सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, वे भी यही बात कहते हैं। मुनि कभी कहत को न प्रेम प्रिय रघुवीर को, कि रघुवीर जैसा, प्रभु श्री राम जैसा प्रेम करने वाला प्रेमी इस जगत में कोई है ही नहीं। ये बात केवल मैं नहीं कहता, सारा संसार कहता है, देवता तक कहते हैं, सिद्ध मुनि ऋषि कवि सभी लोग यही बात कहते हैं। खग सबरी निशिचर भालू कपि किए आपूते बंदित बड़े। और प्रेम की महिमा देखिए प्रभु श्री राम के, इन्होंने खग अर्थात जटायु, सबरी यानी शबरी जो प्रतीक्षा में बैठी थी प्रभु राम की, निशिचर माने राक्षस, यहाँ राक्षस का अर्थ विभीषण से है, भालू जामवंत, कपि हनुमान जी, सुग्रीव अंगद, ये सब नल नील, किए आपूते बंदित बड़े। कहते हैं प्रभु श्री राम का प्रेम देखो कैसा है, कि जिनसे ये प्रेम करते हैं ना उन्हें अपने से भी बड़ा वंदनीय स्थान दिलवा देते हैं, अपने से भी बड़ा स्थान जिनको प्रेम करते हैं। और उदाहरण किसका दिया, सबसे पहले पक्षियों का यानी जटायु का, कि जटायु को अपने से भी ऊंचा स्थान दे डाला। प्रभु श्री राम ने जटायु को अपने पिता दशरथ का स्थान दिया था। वनवास में उन्होंने कहा था कि मैं आप में अपने पिता दशरथ को ही देख रहा हूँ, और कहने के लिए नहीं कहा था, पिता के ही समान उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया, बिल्कुल यही जानकर यही समझकर। और जटायु के प्राण त्यागने पर राम कैसे रोए हैं, कैसे रोए हैं। अगर उस समय का दुख देखना हो जटायु की, देह त्याग के समय का दुख प्रभु राम के हृदय का यदि देखना हो, तो जो हमने सीता हरण उपन्यास लिखा है ना उसे पढ़ लीजिएगा, और उसे पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कोई आपके आसपास ना बैठा हो, नहीं तो आप संकोच से गड़ जाएंगे, क्योंकि आपका रोना तो रुकेगा नहीं, तब तो बाकी लोग परेशान हो जाएंगे कि ये रो क्यों रहा है। क्योंकि सीता हरण उपन्यास में आप आरंभ से अंत तक सिर्फ रोते रहेंगे और कुछ नहीं हाथ लगने वाला सिवाय रोने के। अनेक
लोगों के घर वाले परेशान हो गए जब उन्होंने अपने घर के किसी संवेदनशील सदस्य को सीताहरण उपन्यास पढ़ते देखा। उनका तुझे हो क्या रहा है, ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है या क्यों रो रही है, और वो रोना ही ना रुके, रोना ही ना रुके। तो उपन्यास खतरनाक है थोड़ा। जब घर के सब लोग सो सा जाएं, तब बहुत एकांत में अंधेरी रात में पढ़ना कि आपका रोना धोना भी कोई ना सुन सके, घर के मंदिर में बैठ के पढ़ लेना बिल्कुल जब सब सो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि जब संसार सोता है तब योगी जागता है, तो तब पढ़िएगा। तो जटायु के देह त्याग पर प्रभु राम कितना रोए, और इतना सम्मान उनको दिया, अपने से भी ऊपर का स्थान। फिर शबरी ऐसे लगता है कि शबरी के लिए ही प्रभु राम वन वन यात्रा कर रहे हैं। शबरी के लिए ही जैसे रावण ने सीता का हरण किया, इतनी घनीभूत प्यास शबरी की, ऐसी प्यासी धरती बन गई शबरी की, घनश्याम श्री राम को वहाँ बरसने के लिए जाना ही पड़ा, जाना ही पड़ा। कहते हैं ना, धरती प्यासी हो तो मेघों को आना ही होता है, बरसना ही होता है, वो रह नहीं सकते बिना बरसे, बरसना ही होगा, लेकिन शबरी होना होगा पहले। निशिचर राक्षस विभीषण को इतना आदर दिया, इतना सम्मान दिया कि लंका का साम्राज्य ही दे दिया। इतने सरल हैं प्रभु, इतने विनम्र हैं, कौन करता है ऐसा कि आप किसी देश को जीतें और वह देश उसी के भाई को दे डालें कि मुझे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा है, तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। रावण ने तो अपने भाई कुबेर से लंका छीन ली थी। लंका ये रावण की नहीं थी, कुबेर की थी। रावण ने उसे पराजित किया, धक्के मार के लंका से निकाल दिया और लंका पर कब्जा लिया। कोई यह ना समझे कि विभीषण जब रावण के द्वारा लंका से निकाल दिया गया तो उसके बाद उसके मन में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। राम के प्रति विभीषण के मन में बहुत पहले से ही प्रेम चला आ रहा है, बहुत पहले से। उस प्रेम को पहचाना प्रभु श्री राम ने, उस प्रेम को। तो ये जो प्रेम की महिमा है राम के द्वारा पहचाने जाने की और उसे सिरमौर बनाने की, उसमें फिर भालू आगे आते हैं यानी जामवंत, और फिर बंदर कपि। कहते अपने से भी बड़ा स्थान दिया, यहां पर कपि में हनुमान जी की ओर इशारा है। हैं तो बहुत, सुग्रीव भी हैं, सुग्रीव पर भी बड़ी कृपा की प्रेम के कारण, लेकिन मुख्य यहां हनुमान जी हैं। अभी कुछ दिन पहले विनय पत्रिका में ही आपने सुना होगा कि प्रभु राम ने हनुमान जी को यह वरदान दे दिया कि जो कोई तुमको प्रसन्न करेगा ना, समझ लो वो मेरी ही भक्ति कर रहा है, तुम्हें दी गई प्रत्येक पूजा मुझे लगेगी। अपने से भी बड़ा स्थान दे दिया हनुमान जी को। तो कहते हैं ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम, जो कि सबसे बड़े हैं लेकिन उसके बाद भी इतने सरल हैं, इतने विनम्र हैं। तापर तिनकी सेवा सुमिर, जिए जात जन संकुच ही गड़े। और कहते हैं इतने पर भी वो रुक नहीं जाते हैं। जब कभी बैठे होते हैं और याद करते हैं कि मेरे किस किस सेवक ने मेरी क्या क्या सेवा की, कौन कौन मेरा कैसा कैसा सहायक बना, तो संकुचित होकर लज्जा से गड़ जाते हैं कि अरे कितना मेरे लिए उसने काम किया, केवट मुझे गंगा पार कराई उसने,
कितना धन्यवाद उसका। और मैंने क्या किया, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। संकोच से गड़ जाते हैं कि हनुमान सारा जीवन मेरे लिए मारा मारा फिरता रहा, सारा जीवन, और मैंने क्या दिया हनुमान को, कुछ भी तो नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। शबरी मेरी बाट में बैठी रही कब से, मैंने क्या दिया इन लोगों को। निषादराज गुहू मेरे लिए क्या क्या नहीं किया निषादराज गुहू ने, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसके लिए। तो प्रभु श्री राम सदा अपने सेवकों के द्वारा की गई सेवा को स्मरण करते हुए संकोच से भर जाते हैं। ऐसे शील स्वभाव वाले, विनम्र स्वभाव वाले, सुंदरता के धनी हैं मेरे प्रभु श्री राम, जो कि सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। उसके बाद भी उनकी सरलता देखिए, विनम्रता देखिए, सहजता देखिए, और हृदय के भीतर बहती हुई प्रेम की ये गंगा देखिए, 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 देखिए।